पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, वक्तव्य दिया हुआ है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता SZ में मापी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वक्तव्य एक गलत है और वक्तव्य दो यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 के बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विंडोज डिफेंडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है, तो हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि को भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो MS Excel 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त चार्ट के बारे में पूछा गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जो आपका पाई चार्ट है वो बिल्कुल उपयुक्त है इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर PD VLSI प्रौद्योगिकी के साथ IC का उपयोग करती है, तो इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS Access 2010 की विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। रिलेशन आधारित संरचना बिल्कुल ये विशेषता होती है, ADIC गुण ये भी होती है, कम रेडियंसी तो ये भी होती है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है वह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है, ये उसकी विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क ट्रांसमिशन रेंज सबसे कम है, तो किसकी है यहाँ पे सबसे कम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ब्लूटूथ की जो ट्रांसमिशन की जो रेंज होती है वो सबसे कम इनमें से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इन ऑब्जेक्ट को क्लाउड पर डेटा एक तरह से और एक्सचेंज करने में सक्षम बनाता है। तो इसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन, IoT। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस ईमेल फोल्डर क्या है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह वह जगह है जहां हटाए गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आंसर की लेके आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, MS Access 2010 में उपयोगकर्ता या तो व्यू या व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, दो ब्लैंक यहाँ पे दिए हुए हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले के अंदर डिजाइन और दूसरे के अंदर डेटा शीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है इनमें से, तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वो सबसे उपयुक्त यहाँ पे हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हो तो आप स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन, स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस इत्यादि जैसे सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका सी ऑप्शन, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बिट, तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, बैंड विड्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे पता है MS Word सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस भी होता है, प्रिंटर ड्राइवर भी होता है, लेकिन जो स्कैनर है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, AZ 145। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल पैनल विंडोज 10 अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता जा सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग कर सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, GPS। ए ऑप्शन बिल्कुल होगा, GPS इसके अंदर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे
F5 कुंजी को दबाना पड़ता है और साथ में स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे ए और बी विकल्प का चयन, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, इनमें से चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो सबसे उपयुक्त इनमें हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं क्या आएगा। तो वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट्स और चार्ट शामिल होते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है क्षैतिज रेखाओं को, डी ऑप्शन ग्रिड लाइन कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 22 नंबर के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रिंट टाइल्स। तो यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो क्या होगी शॉर्टकट कुंजी, कंट्रोल प्लस एम, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं के में एक रूप उपयोग किया जाता है, ओटीपी का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का पूरा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है, आंसर आ जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका आंसर, इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गोल सिक। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट यानी पेज लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है, 28 नंबर के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है, 29 नंबर के अंदर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देखकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया आरेख वेन आरेख संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं फिर आपको आसानी से उपयोग कर बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा 30 नंबर के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज में वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है, तो आंसर आ जाएगा 32 नंबर के अंदर बी ऑप्शन, जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है में डाला जा सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, केवल 2 बीसीसी और सीसी। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में कार्य करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पीयर टू पीयर। अगला क्वेश्चन है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन यहाँ पे हो जाएगा ट्री टोपोलॉजी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।